हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में देखा है, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो ये चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो हमें मालूम है, उसका जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए, किताब में देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है बोलने से वो घबराना नहीं है। एक ये जो है ग्रीक लेटर्स है, और अल्फ़ा और बीटा ये एक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो मान लीजिए अल्फ़ा बीटा जो है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, तो हमें पता है एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो है आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। मीन्स क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो है इसको, ये पॉलीनोमियल को डिवाइड कर सकता है। तो कर सकता है, तो ये अगर हम डिवाइड करेगा तो मींस क्या है, रिमाइंडर जो है जीरो आएगा। क्लियर, तो ये जीरो आएगा, ये जीरो होगा तो ये अगर इसका फैक्टर होगा तो इसे हम इसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन है और एक्सपांशन है, आप इसको याद नहीं करने से भी होगा, इसको ज़रूरी नहीं है। तो हमें सिर्फ इस ये फॉर्मूला को हमें याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मीन्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइन बी कौन है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी मीन्स, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए, सी मीन्स क्या है, हमें देखिए आप, सी मीन्स कॉन्स्टेंट है और ए तो पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको आप याद रखना है। इन द सेम वे क्यूबिक पॉलीनोमियल का भी हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं, लेकिन अप टू क्लास 10 लेवल में हम क्यूबिक पॉलीनोमियल का ऊपर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हायर क्लास के लिए है। तो हम सीधा हम चलते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या मांगा है, हमें ध्यान से देखिए, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू ट्वाइस एक्स माइनस एट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का कैसे सॉल्व करता है, कैसे रूट्स निकलता है, हमने क्लास 11 में इसको डिस्कस कर लिया है, बाय एक मेथड है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करता था, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 8 है, ये कंस्टेंट है, ये 8 को हम मल्टीप्लाई करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 8 को हम तोड़ देंगे ना, मीन्स आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स उसका निकाल लेंगे। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2 4 8। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमें ज़रूरत क्या है, माइनस टू ना माइनस ट्वाइस एक्स। सबसे पहले माइनस टू को कैसे मिलते हैं, यहाँ से देखिए, हम यहाँ से हमें सीधा यहाँ से दिखाई देता है 4 - 2 इज इक्वल टू 2 ना, या तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें ज़रूरत है माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, 2 - 4 ये होगा माइनस टू। तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस एक्स है, मीन्स क्या है, ट्वाइस एक्स माइनस 4x, सब में x डाल देंगे तो यहाँ में क्या होगा, माइनस ट्वाइस एक्स होगा। तो
हम क्या करेंगे, माइनस ट्वाइस एक्स की जगह में 2x माइनस 4x लिख देंगे। क्लियर, तो यही है प्रोसीजर मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस ट्वाइस एक्स का जगह हम ट्वाइस एक्स माइनस 4x लिख देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये ट्वाइस एक्स के जगह में क्या लिखना है, 2x माइनस प्लस 2x माइनस 4x, माइनस 2x का जगह में हमको ये लिख दिया, तो ये माइनस 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन कौन है, दोनों जगह में होने से ये दोनों को लो, ये दोनों को लीजिए, तो क्या होगा, यह में यहाँ x हो गया, एक्स कॉमन है दोनों जगह में, एक्स यहाँ से कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन बाहर निकलेगा, तो कितना अंदर में कौन रह जाएगा, एक्स, क्योंकि इसको हम जब भी अंदर ले जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वापस मिलना है, प्लस एक्स बाहर निकल गया मीन्स 2, अगर हम इसको अंदर ला देंगे क्या होगा, ट्वाइस 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स ना 2x, यहाँ से क्या है माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन लेगा माइनस 4 को, यहाँ अंदर कौन बचेगा, x, और माइनस बाहर निकल गया कौन होगा, प्लस, तो 4 टू जा 8। क्लियर, तो हमेशा याद रखिए, आप जब भी स्प्लिट करेगा फिर एक कॉमन चीज़ आना ही है, अगर ये कॉमन चीज़ ये दोनों जगह में कॉमन नहीं होगा तो आपका प्राइम फैक्टर मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है गलत होगा। तो देखिए यहाँ में x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को फिर हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम जब कॉमन ले लेगा यहाँ में कौन बच गया, x, यहाँ पे कौन बच गया, माइनस 4। तो ये रहा क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जीरोस मांग रहा है, तो जीरोस कैसे निकलता है, क्लास 9 में भी आप निकल चुका है, जीरोस कैसे निकलता है, उनमें से कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकलने के लिए सबसे पहले हम पी एक्स इक्वल टू जीरो कर देता है, तो हम पी एक्स का वैल्यू यहाँ डालेगा, यहाँ पी एक्स का वैल्यू डालेगा तो हम क्या करेगा, पी एक्स का वैल्यू डाल के हम विल सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो इन द सेम वे टू फाइंड जीरोस वी राइट, क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल माइनस 8 इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्व ऑलरेडी हमें कर चुका है ना, ये क्या है, इम्प्लाइज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, इसका मतलब ना। क्लियर, तो ये जीरोस होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2, अगर ये जीरोस होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा ये रिक्वायर जीरोस है, या यू कैन से दिस इज आवर रिक्वायर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये जीरोस है, माइनस 2 एंड माइनस 4 आर द रिक्वायर जीरोस। क्लियर, तो ये एक आंसर हो गया। तो और अभी हमें क्या करना है क्वेश्चंस में, और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। ठीक है, तो ये जीरो से मींस क्या है, हियर अल्फा बाय फॉर्मूला में देखने से अल्फा कौन हो जाएगा, माइनस 2, बीटा कौन हो जाएगा, 4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ में देखिए, हम इसको इस ये रिलेशनशिप को हम प्रूव करना है, ये रिलेशनशिप आता है बोल के हमको दिखाना पड़ेगा, ये सही है बोल के। कैसे दिखाएंगे आप, यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा मींस क्या है, यहाँ में माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया, 4 माइनस 2 या माइनस 2 प्लस 4 मींस क्या है, 2 हो गया। तो हम 2 को क्या लिख सकता है, 2 को हम ऐसे लिख सकता है, या माइनस बाय माइनस 2, राइट, माइनस 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 माइनस
प्लस हो जाएगा, टू हो जाएगा ना। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट, तो मीन्स ये क्या है माइनस, माइनस टू कौन है, व्हाट इज माइनस टू हियर, आप ध्यान से देखिए माइनस टू कौन है, माइनस टू जो है डी का जगह में रह रहा है, मीन्स ये क्या है माइनस बी बाई, व्हाट इज ए, ए कौन है हमें, ए का वैल्यू कितना है हमें, ए का वैल्यू हमें क्या है वन, तो माइनस बी बाई ए राइट। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये फर्स्ट फर्स्ट सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप जो। और दूसरा क्या है, अभी दूसरा और एक ये को करना है, वेरीफाई करना है, वो है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कितना है माइनस फोर और माइनस टू, बीटा का वैल्यू कितना है फोर, तो ये कितना हो जाएगा फोर टू जा एट माइनस एट, तो माइनस एट को हम क्या लिख सकते हैं माइनस एट बाई वन ना, सेम है ठीक है। तो माइनस एट कौन है, माइनस एट यहाँ आप देख के देखो माइनस एट कौन है, आप फिर से आप यहाँ देख के देखिए माइनस एट कौन है, हमें माइनस एट जो है सी है, तो ये सी है, तो ए वन कौन है, वन जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये रहा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है। तो हेंस हेंस वेरीफाइड, क्लियर। तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ध्यान से कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाइड करेगा उसको हम मिलाना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चंस जो बाकी क्वेश्चंस है बहुत ही आसान है, अगर नहीं सकेगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं बतला दूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक छोड़ता हूँ, थैंक यू।